त्योहारों के दौरान सोलन में किसी भी तरह की खाद्य पदार्थों में मिलावट ना हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग पुख्ता कदम उठा रहे हैं। विभाग द्वारा अभी से जिला सोलन में मिठाइयों, दूध, दही, मक्खन और पैकेट फूड के सैंपल लेने आरंभ कर दिए हैं। अगर इन सैंपलों में भी किसी तरह की मिलावट पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग के स्वास्थ्य सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि मिलावटखोरों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और उनके लिए सजा का प्रावधान भी रखा गया है। अधिक जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के स्वास्थ्य सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने बताया कि इस बार राखी का त्योहार आने से पहले ही विभाग द्वारा सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि सैंपल का परिणाम समय पर आ सके और उपभोक्ता उन खाद्य सामग्रियों का उपयोग ना कर सके जिनमें मिलावट है। उन्होंने बताया कि अगर रिपोर्ट में मिलावट निकलती है और अगर वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है तो 5 लाख रुपए का जुर्माना और 6 माह तक की कैद हो सकती है। मार्केट में डाइटरी सप्लीमेंट और फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल जो टेबलेट्स बिक रही हैं, चूवेल टेबलेट लोग बना रहे हैं, वो जो फूड के लाइसेंस पर मैन्युफैक्चर हो रही है वो जो ICMR की गाइडलाइंस है और जो हमारे इसके लिए हेल्थ सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल रेगुलेशन 2016 है उसमें इंग्रेडिएंट्स दिए हैं और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ICMR में दी हुई है। कुछ मार्केट से कंप्लेंट आ रही थी कि लोग जैसे विटामिन सी 500 mg और 1000 mg तक क्लेम कर रहे हैं, तो मार्केट से हमने उसके सैंपल लिए थे। तो अभी रिसेंटली एक सैंपल फेल हुआ जिसमें लेवल क्लेम 1000 mg था और जब उसका टेस्ट हुआ तो 176.1 mg उसमें विटामिन सी पाया गया। तो सैंपल मिसब्रांडेड और सबस्टैंडर्ड दोनों आया हुआ है। कुछ लोग रिकमेंडेड जो डेली अलाउंस है उससे ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं कि हमने इसमें जैसे विटामिन सी या विटामिन B12 जो भी वो उसमें क्लेम कर रहे हैं तो उनके ऊपर एज पर एक्ट हम कार्रवाई कर रहे हैं। रिसेंटली जो सैंपल लिए थे उसमें से 3 सैंपल फेल हो गए हैं, उस पर ऊपर हमने नोटिस भेज दिया है और नेक्स्ट कार्रवाई चल रही है। इसी तरह से इससे पहले भी हमने सैंपल लिए थे, उनमें से अभी रिसेंटली 33 सैंपल फेल पाए गए हैं। ये सैंपल दूध, दही, पनीर और फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि पिकल, विनेगर, इस तरह के सैंपल लिए थे जो जिनकी रिपोर्ट आ गई है। और रिसेंटली अभी हमने 17 प्रोसिक्यूशन ADM कोर्ट में फॉर एजुकेशन के लिए डाली हुई है और 4 केस हमारे पास यही कंपाउंड हो गए जिसमें 80,000 रुपये फाइन किया और वो फाइन भी रिकवर हमने कर लिया है। नहीं, ऐसा है कि ये जो डिफेक्ट है ये तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो हम मैन्युफैक्चरर को इसका नोटिस दे रहे हैं जिसने भी सप्लाई की है, रिटेलर से सैंपल लिया हुआ है, पर अल्टीमेटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो मैन्युफैक्चरर ही है, तो मैन्युफैक्चरर भी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए हम मैन्युफैक्चरर को भी जैसे बिल मिल जाएगा मैन्युफैक्चरर का तो हम मैन्युफैक्चरर को भी उस पर नोटिस भेज देंगे। अभी तक तो हमने जिससे लिया था उसी को नोटिस किया हुआ है। कोई सप्लीमेंट वाला जो हमारे सोलन डिस्ट्रिक्ट में मैन्युफैक्चर कर रहा है तो अगर ऐसा कोई भी मैन्युफैक्चरर आएगा तो उसका हम लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे और जो प्रोडक्ट है उसको भी सील करेंगे। रिसेंटली भी अभी हमने 2 फैक्ट्रीज में इस तरह से जो माल बन रहा था उसको सील किया हुआ है।